हेलो रिवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। आई होप सो सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। आप सभी को पता है कि आपके साथ इस सेशन में डेली डिस्कस करते हैं 6 AM पे SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2022 के लिए कंप्लीट 60 डेज का प्लान। एक टू डू लिस्ट आपके साथ डेली आता है कि डेली वाइज आप किस तरीके से अपने किस टॉपिक को किस सब्जेक्ट से चूज करने वाले, और उम्मीद करता हूँ आप डेली बेसिस पे इसको फॉलो कर रहे हैं और अब आपको इम्प्रूवमेंट भी नजर आनी स्टार्ट हो गई होगी क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वे आपने कवर कर लिया है। अब आपके पास हार्डली 24 डेज का बचा हुआ है और जो बच्चे आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि क्लरिकल कैडर के जितने भी एग्जाम होंगे वो डेफिनेटली इसी पैटर्न पे आपके बैठने हैं। चाहे आप एसबीआई क्लर्क ले लो, आईपीएस क्लर्क ले लो, या फिर अगर क्लर्क का लेवल चूज कर रहे हो आरआरबी क्लर्क का भी, तो वहां पे डेफिनेटली क्वेश्चंस ज्यादा होते, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 मिलेंगे, लेकिन लेवल तो यही रहने वाला है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, टू डू लिस्ट बेसिकली आपका एक क्लरिकल कैडर का हुआ और एक टू डू लिस्ट पीओ कैडर का बनता है। स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को डेली बेसिस पे प्रयास, आपको टेस्ट प्रयास सीरीज मिल रही है जिसमें डेली आपको क्वांट का चेकलिस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। डेली 100 क्वेश्चन की पूरी चेकलिस्ट होती है। तो डेफिनेटली आप सभी के सभी लर्नर्स उसको ज्वाइन करें और कोशिश करें उस पीडीएफ को कंप्लीट करने की बाय एंड ऑफ 9 PM डेली। और अगर कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके अपना डाउट शेयर करें, वहां पे डेफिनेटली आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको सारे के सारे डाउट्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं टू डू लिस्ट को। टाइम आप अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप एक लेट नाइट लर्नर है तो मॉर्निंग की वाली शिफ्ट को थोड़ा सा डिले कर दो और सारी की सारी चीजें एज इट इज चलने दो। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ने वाले बच्चे हैं तो देन इट इज वेल एंड गुड फॉर यू। आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करेंगे 6 AM to 7:30 AM। आप सभी को पता है कि आपने ऑलरेडी 3 दिन दे चुके हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे, तो ये 4th दिन है जिसमें ट्रेन तो कवर करना ही करना है, साथ साथ बोट एंड स्ट्रीम के भी कॉन्सेप्ट देखने। अगर आप बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट देखोगे तो बहुत कम कॉन्सेप्ट है, 2 से 3 कॉन्सेप्ट में आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बसरते अगर आप एक्स वाई जेड मत मानो, अगर आप चीजों को एक्स मतलब कुछ ऐसी चीजें कवर मत करो जो अननेसेसरली आपके लिए। बोट एंड स्ट्रीम बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ही परफेक्ट टॉपिक है, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से एक मिनिमम हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। साथ साथ आपको स्पीड मैथ्स भी कवर करना है, 10-10 क्वेश्चन हर टॉपिक से। 8 AM to 9 AM आपका आता है न्यूज़पेपर रीडिंग जिसमें आप इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, और इसके पढ़ने के 2 कॉन्सेप्ट में जाना है। एक करंट अफेयर्स का सेक्शन जिसमें आप चीजों को डिटेल्स में डिस्कशन करोगे अगर कोई बैंकिंग रिलेटेड न्यूज है तो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ करंट रिलेटेड न्यूज है जस्ट आप उसके हेडलाइंस के थ्रू पढ़ के निकल जाओ। नेक्स्ट आपका आता है एडिटोरियल स्किमिंग। अब इस सेक्शन में आपको एडिटोरियल स्किमिंग भी करना है, साथ साथ यहाँ से 20 से 25 वर्ड भी ढूंढने और उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स अपने नोटबुक में लिखते जाना है साथ साथ। 9:30 AM to 10:30 AM आपका करंट अफेयर्स रीडिंग सेक्शन आता है जिसमें आप अड्डा 247 से आशीष गौतम सर की क्लास देख रहे होते। अब इसको भी 2 तरीके से मैंने कैटेगराइज कर दिया। यहाँ पे देखो करंट वाला, मैंने आपको बताया कि आप डीप में यहाँ पे जब आप अड्डा 247 से पढ़ रहे होंगे सर के साथ तो करंट की न्यूज भी डीप में जाओगे, और बैंकिंग अवेयरनेस की तो डेफिनेटली वो आपको पूरे डीपली जाके पढ़ाने वाले। बैंकिंग रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज हो तो आप उसके डेटा को, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा फिगर है जो कि एग्जाम रिलेटेड बन सकता है तो उसको जरूर नोट कर लो। सपोज कि कभी अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैपिटल पेड कैपिटल को बढ़ाया गया तो वो कितनी बढ़ाई गई, ये सब चीजें आपको नोट करनी होंगी साथ साथ। 10:30 AM to 11 AM आपका आता है क्वांट का मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है गाइडली से। अगर अभी भी आपने गाइडली का नहीं परचेस किया तो VB12 लगा के परचेस कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और बहुत ही बेहतरीन है। या फिर अगर आप सेक्शनल के लिए कर रहे हो, आपके पास कोई ऑलरेडी मॉक टेस्ट आपने परचेस कर रखा है तो फिर गाइडली में पेड करने की जरूरत नहीं है, आपको एटलीस्ट 40 सेक्शनल मॉक टेस्ट हर एग्जाम में हर टॉपिक से देखने को मिलेगा। 2 PM to 3:30 PM आपका आता है 1000 पजल सीरीज प्लस 1 सेक्शनल मॉक टेस्ट गाइडली का। फिर अगेन गाइडली पे ये मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा एज इट इज इसकी तरह। और 1000 पजल सीरीज उम्मीद करता हूँ आप अंकुश लंबा सर की क्लास में लगा रहे हो या फिर आप कोई भी और पीडीएफ किसी भी एजुकेटर की पीडीएफ से लगा रहे हो। 4 PM to 5 PM आपका आता है गाइडली का बंडल टारगेट पीडीएफ। अब इसके लिए मैं बोलूंगा आप परचेस कर लेना, बहुत ही शायद से अगर आप इंडिविजुअल परचेस करोगे तो 300-400 का पड़ेगा, और अगर कंबाइंड वाला कॉम्बो ऑफर चल रहा है 70-80% डिस्काउंट चल रहा है, साथ साथ आपको ये कोड लगाना है VB12 तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा विद इन, मतलब मेरे को लगता है 100,000 के नीचे नीचे आपको 1 साल तक के सारे एग्जाम का बंडल पीडीएफ मिल जाएगा। 7 PM to 8 PM आपका था 2 इंग्लिश मॉक टेस्ट लगाने, 2 सेट लगाने, अगेन या तो आप गाइडली से लगाओ या स्टडी नीति से लगाओ या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है आपकी मॉक टेस्ट के,
चाहे किसी ने ऑलिव बोर्ड खरीदा है, किसी ने प्रैक्टिस मॉक या टेस्ट बुक, जिस किसी का भी मॉक टेस्ट आप यूज कर रहे हो उसके दो सेक्शनल मॉक टेस्ट इंग्लिश के आपको लगाने। नेक्स्ट आपका आता है 9 PM to 10 PM मॉक टेस्ट एनालिसिस, दैट मींस डे 35th को जो आपने प्रीवियस डे में जो आपने अपना मॉक टेस्ट लगाया था उसका कंप्लीट रिवीजन चाहिए होगा। कंप्लीट रिवीजन मतलब एनालिसिस करो कि क्वांट में 35 के 35 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि अगले एग्जाम में या फिर अगले मॉक टेस्ट में कभी भी किसी भी पेपर पे आपको उस पैटर्न का या उस लेवल का क्वेश्चन दिखे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। एज इट इज ये चीजें आपको रीजनिंग में भी करनी है एज वेल एज इंग्लिश में भी करनी है। तो ये था मेरे अकॉर्डिंग डे 36 का आपका टू डू लिस्ट। उम्मीद करता हूं फिर से एक बार कि आप सभी डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट टू डू लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि किसी को बोलने की जरूरत नहीं होगी कि मेरा स्कोर इंप्रूव हो रहा है। आपके जो टेस्ट मॉक टेस्ट के स्कोर है वो खुद ब खुद बयां कर रहे होंगे सारी सारी चीजें। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट आपके साथ टू डू लिस्ट में, और आज से प्रयास सीरीज का जो कल छूट गया था लेकिन आज से डेली प्रयास सीरीज फिर से कंटिन्यू है, तो उसको फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बाद तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।